विपक्ष जनता को न्याय दिलाया पत्रकारों की एकता ने, लेकिन देर ऐसा ही कमलदास बापू। बांदा, अगस्त 22, 2020। रामधाम आश्रम शिवरामपुर जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश निवासी एवं हमारे एवीपी भारत न्यूज उत्तर प्रदेश के हेड कमलदास बापू ने बताया कि बांदा जिले के जसपुरा थाने के पत्रकार अंशु गुप्ता के विरुद्ध अधिकारियों को गुमराह कर एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर बालू कारोबारियों के आतंक तथा धमकियों से परेशान अंशु गुप्ता पत्रकार को आखिर न्याय के लिए अनशन का सहारा लेना पड़ा। अनशन के सातवें दिन पत्रकारों की एकता को देखकर जिले के एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने जिले के क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्रा एसआई मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए पत्रकार अंशु गुप्ता तथा वहां उपस्थित पत्रकार साथियों से वार्ता कर अनशन स्थल में आलोक मिश्रा को भेजकर अनशन को खत्म करवाया। अनशन स्थल पर सैकड़ों पत्रकारों के इकट्ठा होकर न्याय पाने के लिए किसी बड़ी रणनीति पर चर्चा को विराम लगवा दिया। पत्रकारों में बांदा प्रेस क्लब के संरक्षक के एस दुबे, अध्यक्ष दिनेश निगम दट्टा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, भगत सिंह, राम किशोर उपाध्याय सहित सैकड़ों वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। अनशन खत्म होने पर उपस्थित सभी पत्रकारों ने जिले के युवा एसपी एवं क्षेत्राधिकारी नगर आलोक मिश्रा का आभार व्यक्त किया, क्योंकि पत्रकारों के सम्मान ऐसे ही जिले का तथा जिले के अधिकारियों का भी सम्मान बना रहता है। पहले दिन ही मैंने कहा था जोड़ दूंगा, इस समय सदर का विचार मेरे पास है, ठीक है। और वही बात आप वाले की जो सच्चाई है बात की जाने की, आप ही जान रहे हो उसकी जो कार्रवाई आप चाहेंगे आपके अनुसार हो जाएगी, ठीक है ना। और अब आप जो है अपना आंसर समाप्त करिए। मुकदमा तो इनका वापस होगा? अरे 100% जब कह दिए तो सामने ही बात हो गई थी। कार्रवाई क्या होगी? हाँ, यशो साहब पर कोई कार्रवाई नहीं, वही कार्रवाई करेंगे आपके मुकदमे को, तो वही निस्तारण करेंगे। यशो साहब पे क्या कार्रवाई? नहीं भाई, कैसे लिख देंगे? अरे साहब आश्वासन देंगे। अरे आश्वासन ये बताइए, ऐसे जब आपको अविश्वास यशो ही सब कुछ है, आप बताओ कैसे नहीं, ये 3 क्षेत्र कैसे लिख देंगे? उसके लिए 3 क्षेत्र कैसे लिख दिया जाएगा? आप बताइए, ऐसे कहाँ होता है? आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब ये बताइए, आपका मुकदमा पहला मुकदमा यशो साहब ने ही लिखा था, ऐसा थोड़ा ही उसका पहले लिखा गया आपका बात, उन्हीं पर आप विश्वास क्यों कर रहे हैं? भी नहीं हो सकता, जब डीआईजी महोदय ने आदेश किया सीओ साहब को, जब तब मेरा मुकदमा लिखेगा? अगर यशो साहब चाहे तुरंत लिख लेते मुकदमा, तब आप बताइए। जब डीआईजी साहब ने आदेश किया तब मेरा मुकदमा लिखा गया। अरे जब सीआरटी लिख देंगे तब फिर जो होते? अरे नहीं लिख, कैसे लिख देंगे आप लोग जानते कैसे? कोई यही मांगे हैं जब तक क्लियर कट है भाई, इनकी जो रेमिडी है यशो ट्रांसफर कर दी, कल को सीओ खड़ा दीजिए, कोई बात नहीं भाई। आपको अपना न्याय अंशु सुनो, मेरी बात सुनो, आप अपना न्याय की हमारे साथ क्या होना चाहिए उस पर बात करें, उसी पर हम आए भी थे, मुझे आप लोग गए थे उसी पर, मैंने बात हुई, वार्ता हुई, तब मैं आया है। गिरफ्तारी के लिए सर क्या होगा? आरोपी जितना उनको मतलब जो उनके साथ घटना घटित हुई है उन धाराओं में उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, चार्जशीट जो इनके साथ हुई, अगर उनके लड़कों के मार्ग हुई थी उस धार में, उसमें उस धाराओं में चार्जशीट करेंगे। बैठे बैठे वो जूता पहनाऊ ना, मतलब सही है। आप पूछिए, बताइए गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी उन धाराओं में अगर गिरफ्तारी संभव है 7 साल से अधिक है तो गिरफ्तारी कर, कम है तो मुचल के 50 फीट लग जाएगी। आप क्यों कोरोना है आप जान रहे हैं कि तो बाद में है। अच्छा, लूट वाली धारा है। मेरा मोबाइल उन्हीं के पास, अभी तक लगवा दूंगा सर, अभी तक मोबाइल सर्विलांस में लगवाया था। भाई मैं अभी सर्विलांस लगाने ना, अभी इनका अनशन तोड़वाने आया था, आप मतलब समझिए, मैं इनका ये कि अनशन इनका खत्म करें, जो भी इनकी साथ घटना के 20 दिन हो गया, मोबाइल अभी तक सर्विलांस में नहीं लगा, यही से लगवा दूंगा। और रही बात सुनिए, आपको यशो पर वहाँ खाने पर विश्वास नहीं है,
तुम्हें क्राइम ब्रांच ट्रांसफर करवा देता हूँ। बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरे पास मैं जो क्राइम का भी चार्ज है मैं क्राइम ब्रांच ट्रांसफर करवा दूँ अगर आप अगर आपको लग रहा हो, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये है कि सही कार्रवाई होगी, आपको न्याय मिलेगा, ये वचन देता हूँ आप बस। नहीं तो इंस्पेक्टर साहब ने उसकी मॉनिटरिंग मैं करूंगा भाई। इंस्पेक्टर साहब क्या मतलब, वो भी जब उनको करना है तो